तो एकदम नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। केरला व्लॉग खत्म हो चुका था तो मैंने सोचा आज आपके लिए कुछ अलग व्लॉग लाता हूँ, एक रिव्यू लेकर आता हूँ। पहले दो रिव्यू मैं आपके लिए लेकर आया हुआ हूँ, एक था बलेनो का, एक था एंटोर का और एक था डिजायर का। तीन चार व्लॉग्स मैं ऐसे लाता हूँ, बीच बीच में लाता रहता हूँ कभी कभी जब मुझे लगता है कि हाँ चेंज चाहिए। आज मैं लाया हूँ एक ऐसे ही व्हीकल का व्लॉग। क्या है व्हीकल वो मैं आपको अभी बताता हूँ, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो ये है हमारा आज का रिव्यू व्हीकल, सीडी डिलक्स होंडा 110 cc वाली बाइक है ये। हालांकि मैं बहुत कम करता हूँ व्हीकल्स की आपको पता है रिव्यू, लेकिन मैंने सोचा कि चलो ठीक है एकदम नई ये ली हुई बाइक है। अभी थोड़ी देर में इसके जो ओनर है उनसे भी आपकी मुलाकात करा दूंगा। पहले पूरी बाइक बता देता हूँ। होंडा की ये बाइक है, सीडी डिलक्स 110 cc की है ये, और अभी एकदम नई ही ये आई है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में आपको बताया जाए। और क्या कारण है इस बाइक के बारे में, क्योंकि ये बाइक बहुत चलती है, ये हीरो में भी ये बाइक आती है, सीडी डिलक्स करके आई थिंक ये ड्रीम डिलक्स है, तो कुछ इस तरह की बाइक देखिए देखने में लगती है। इसकी आज पूरी स्पेसिफिकेशंस, इंजन, राइड क्वालिटी सब के बारे में बात करेंगे। फिलहाल जो ओनर है उससे इस बाइक का पहले रिव्यू लेते हैं, उसके बाद हम आपसे बात। तो ये हैं ओनर जिनकी ये बाइक है, विनोद, स्वागत है आपका बहुत बहुत चैनल पे हमारे। तो विनोद, पहली चीज़ तो मैं पूछूंगा कि कब ये बाइक लेने का आपने प्लान बनाया, कब ये आपने बाइक ली, कितने दिन आपको बाइक लिए हो गए हैं? ये बाइक अभी मैंने 2-3 महीने अच्छा, ओके। जैसे देखो मेरे को विनोद पहले बाइक चलाए बहुत साल हो गए, मेरे पास पहले कोई पल्सर हुआ करती थी आज से करीब 6-7-8 साल पहले। तो अब बाइक और स्कूटर में जनरली लोग पूछते हैं कि भाई पहली चीज़ तो आपने कितने रुपए में ली है बाइक? ये मेरे पड़ गए ऑन रोड 80,000। 80,000 के समथिंग। अब मैं एक चीज़ पूछना चाहूँगा, अभी पेट्रोल हो रहा है 107 रुपये राजस्थान में या जयपुर में, तो अभी 80,000 रुपये में आपने कोई ये नहीं सोचा कि मैं ई व्हीकल ले लूँ, कोई बैटरी वाला व्हीकल ले लूँ या फिर मैं कोई नॉन गियर वाला व्हीकल ले लूँ? वो ई व्हीकल लेने की थी, लेकिन वो फिर वो ज़्यादा आ रहा था और फिर उसमें वो चार्जिंग का था, और जैसे मेरे क्या है ज़्यादा दूर ऐसे मतलब अच्छा, लंबा रूट होता है, तो उसमें आपकी फिर ई रनिंग, व्हीकल में उसमें आपकी फिर रनिंग ज़्यादा है रोज की? हाँ तो चार्जिंग वाला तो उसमें फिर वो नहीं हुआ, तो इस वजह से ओके। फिर। अब मेरे को ये चीज़ बताओ, आपने ये होंडा सीडी डिलक्स ली है, इसके कंपैरिजन में और कोई बाइक आपने देखी थी? और देखी थी मैंने, एक तो स्प्लेंडर प्लस थी हाँ, और एक हीरो की थी सीट डाउन। तो अभी जैसे मेरे को जहाँ तक आइडिया है इस सेगमेंट में एक हीरो की बाइक आती है स्प्लेंडर प्लस, वो ज़्यादा फेमस है इस सेगमेंट में जो 110 cc का जो सेगमेंट है, तो आपने होंडा ही क्यों चूज़ करी? क्या स्प्लेंडर में एक तो उसमें क्या था, ऑयल इसमें जो अपने पेट्रोल का था उसका कम था, अच्छा और टैंक कम होगा उसमें? टैंक कम था, और एक उसमें उसकी ज़्यादा थी, एक तो 80 से ज़्यादा थी, अच्छा, और सीट में भी इसकी जो है वो ज़्यादा तो है। इसकी सीट ज़्यादा कंफर्टेबल है उससे? अच्छा, चलाने में आपकी कैसी बाइक है चलाने चलाने में? में एक तो गियर में दिक्कत आती है, और तो कुछ नहीं। अच्छा, गियर में दिक्कत है इसके, पहले सर्विस करा लिया फर्स्ट सर्विस, उसके बाद में दिक्कत नहीं। और फर्स्ट चार गियर हैं इसमें? चार गियर है, चार ही और गियर हैं इसमें। स्टार्टिंग में है, और पावर में कैसी है, मतलब जैसे अमूमन बाइक्स क्या होती है उठती बहुत जल्दी है गियर में, फर्स्ट गियर में तो जल्दी उठती है, इसका पावर क्या? में तो देखो स्प्लेंडर से करा था, इसका कंपेयर तो स्प्लेंडर से बढ़िया है, बाकी बढ़िया जो है साइन आती है उनका में और स्मूथ है ये चलाने में बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और मुझे अब ये बताओ कि इसमें क्या आपको ऐसे खामी लगी कि नहीं ये बाइक मेरे को शायद मैं और वेट कर लेता, TVS के ले लेता? TVS की भी बाइक्स आती है, जैसे स्टार सिटी आती है आई थिंक इसी 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 कैटेगरी में, अगर कोई बाइक अगर आती हो। होंडा की ये लेने का था, क्योंकि होंडा में तो वो इसका जो बाद में देखते हैं अपन वो बढ़िया रहता है 2-3 साल बाद में, जैसे बाकी स्टार सिटी में अपन में 4 साल बाद में ऐसे कुछ देखते हैं तो उसके पार्ट्स में से। अच्छा, TVS होंडा में बहुत मोटा फर्क है यार, ये तो है। मैं तो खैर एंटॉर्क से भुगत ही रहा हूँ, बहुत दिक्कत हो रही है मुझे एंटॉर्क में। तो एक चीज़ और मुझे जानना है, जैसे कि होंडा और हीरो में क्या आपको मेजर फर्क लगा है चलाने में, इंजन किसका ज़्यादा कहते हैं रिफाइंड है, स्मूथ किसका लगा? देखो एक तो मतलब जो अपने इसमें होंडा में रेस का है, हीरो में ज़्यादा नहीं होती, और बाकी होंडा में रेस का जैसे अपने पिकअप में क्योंकि आप कहना चाह रहे हो कि थोड़ी ज़्यादा अच्छी है ये? हीरो के ओके ओके, आपको कह रहा है कि पिकअप में ज़्यादा अच्छी है। अच्छा, कोई ऐसी आपको लगा नेगेटिव कि बाइक बहुत ज़्यादा वैसे लगा हो कि नहीं ख़राब चल रही है या अच्छी नहीं वो लग हाँ रही? आया था एक गियर में दिक्कत आया था, उसके अलावा गियर के अलावा तो गियर के आप अलावा बस गियर और क्लच में आई थी दिक्कत, तो एकदम से ऐसे वो अच्छा। सर्विस कराया तो और सर्विस कॉस्ट क्या पड़ रही है अभी आपको उसकी, जैसे आपने अभी फर्स्ट सर्विस तो कराई ली होगी इसकी? सर्विस कॉस्ट बस वो ऑयल लगा था, ऑयल आया था 300 का आया था, बाकी और और जो अच्छा, अभी तो एक कितनी सर्विस हुई है इसकी? फर्स्ट सर्विस हुई है। फर्स्ट सर्विस हुई है इसमें, और बाकी इसमें क्या क्या फीचर्स हैं ऐसे आप मुझे थोड़ा बता सकते हो हाँ, कि ये स्टार्ट यहाँ से हो जाती है अच्छा ये और पावर यहीं स्टार्ट है हाँ, इसमें, और यहीं ठीक से है बंद ठीक है। रहती है, और एक जैसे अपने तो जैसे स्टार्ट हो जाती है, लेकिन अगर अपन जैसे मान लो ये स्टैंड लगा हुआ है, हाँ एक हाँ बार इधर से दिखाई हाँ हाँ जैसे स्टैंड लगा हुआ है, ठीक है और अपने ये
गियर में है हाँ, तो ये स्टार्ट नहीं वो होगी है। स्टार्ट नहीं हो रही अच्छा है, ये तो चलो अच्छा तो सेफ्टी जैसे फीचर हो अपन गया ये। इसको हटाएंगे तो ये स्टार्ट हो रहा है। बाकी बाइक का साइज भी मुझे काफी बड़ा लग रहा है, मतलब लेंथ में हाँ अगर आप देखो तो बहुत बड़ी लग रही है ऐसे ये कि। जैसे पहले सीबी साइन आती थी हाँ हुंडई की, हाँ उससे भी ज्यादा है, और पहले इसमें जो पहले पुराना मॉडल आता था उसके बदले इसको ज्यादा लंबा कर दिया, इधर से ओके कुछ ज्यादा बढ़ा दिया। ओके ओके। शॉकर्स वॉकर्स कैसे हैं इसके, गड्ढे वड्ढों पे अगर झटके शॉकर्स खाती है ऐसा शॉकर्स लगता बढ़िया है, है? शॉकर्स काम बढ़िया है। इंजन की आवाज़ तो से तो लग ही रहा है कि बाइक का जो इंजन है रिफाइंड बहुत प्यारा है। और इसमें क्या क्या चीज़ें, जैसे पावर में मैंने भी देखा था कि पावर में भी इसकी ठीक ठाक है, मतलब ज़्यादा जो इंजन है उसके आपसे ठीक ठाक है। तो कंफर्टेबली आपने कोई TVS की चलाई थी स्टार सिटी, इसके मुकाबले स्टार सिटी भी हाँ बहुत स्टार फेमस सिटी भी चलाई थी, लेकिन स्टार सिटी में जो इसमें है वो स्टार सिटी में नहीं है, इसमें जो एक मतलब ऐसे फीचर्स जो कंपेरिजन इसमें क्या आप कह रहे हो, और कितना फ़र्क होगा रेटों के अंदर? करते इसमें ज़्यादा तो फर्क नहीं है, लेकिन इसमें जो भगने का ऐसे वो है वो ज़्यादा है मतलब स्टार सिटी स्पीड और में, स्टेबिलिटी स्पीड सही है हाँ इसमें, कैसा लगता थोड़ा ना आपको कि नहीं यार बाइक स्किट खा जाएगी। वो हालांकि तो टायर बहुत पतले हैं इसके, टायर टायर ज़्यादा बड़े हल्के नहीं हैं, हैं यही ज़्यादा हो गया, टायर होती तो क्या भाई। है। मैंने भी अभी जैसे मैं इस पर बैठा चलाया ना, मुझे लगा बहुत हल्की है एकदम बॉडी इसकी, हालांकि यहाँ से बहुत मजबूत है ये, लेकिन बस ये वाला पार्ट ही, बाकी इधर से तो पीछे ऐसा से लगता है ज़्यादा कि हल्की है, बिल्कुल पीछे हल्की है। और कोई पीछे मॉडिफिकेशन आपने इसमें कराए, कोई चीज़ आपने कराई तो कुछ लग ही भी रहा है कि नहीं एक है आपने शायद ये बाहर से लगवाया ये आता है, ये, ये देखो चीज़ ये जो आपने कंपनी लगाई। से आता है और अच्छा, ये भी जो अपने शोरूम में तो उन्होंने इसके कोई किया, चार्जेस लिए उन्होंने आपसे नहीं सर या इसके कुछ भी चार्ज नहीं है, इसके कोई इसके चार्ज कुछ नहीं भी लिए? नहीं तो है, और बाकी ये है पूरा इसमें CD लगाया 110 डिलक्स है, इसके कंपटीशन में एक हीरो की आती और है, ये लगाया था हमने और बाहर से अच्छा ये आपने दूसरे बाहर से से। कराए थे, और एक जो है TVS की आती है। तो एक ये छोटा सा मैंने रिव्यू डाला था बाइक का, बाकी आप सर्विस में आई थी दिक्कत तो वो सर्विस होते हैं अब सही हो जाए। चलो बढ़िया सर, चलो इसकी एक बार टेस्ट ड्राइव लेंगे और फिर आप लोगों को भी बताएंगे। और इसके कंपटीशन में अगर आप लोग कोई और बाइक लेना चाहते हो तो एक TVS की आती है, एक हीरो की आती है, तो होंडा की आती है, किसकी आती है? होंडा की आती है, कुछ सीबी साइन आती है, अच्छा हाँ CB Shine इसी में आती है, इसी में। इसी में आती है, तो उसका थोड़ा सा ज़्यादा है, उसका शायद उसका बजट इंजन बड़ा है मेरे हिसाब से, 125 cc का इंजन आता है। हाँ। और बाकी हीरो में आती है कि वो इसी की आती है सेम टू सेम गई, बस अच्छा 110 की आती है वो भी अच्छा प्रीमियम तो एक का। चीज़ मुझे बताओ, जैसे अब कोई लेना चाहता हो बाइक, मतलब कोई व्हीकल लेना चाहते हो टू व्हील उसमें, तो आप क्या सजेस्ट करोगे कि बाइक लेवे या नॉन गियर वाले स्कूटर ज़्यादा बेटर रहते देखो हैं? अगर जैसे लंबा रूट हो, मतलब ऐसे अगर ज़्यादा हो तो आप अगर बाइक ही लें, और ऐसे मतलब अपना ज़्यादा काम नहीं हो तो अपन स्कूटी या वो, मतलब आपके हिसाब से ये, और बाइक में जाए तो फिर होंडा की बाइक सी लेनी चाहिए अपन हाँ को। वो तो हाँ होंडा की बाइक लेनी चाहिए अगर आपको बढ़िया लगे तो, होंडा की लो, नहीं तो हीरो में भी आ रही है, हीरो भी अच्छा बेटर है, दोनों ही बेटर है अपने हाँ अपने। हीरो और होंडा दोनों अच्छा एक चीज़ बेटर बताओ, है। अब इसका एवरेज क्या पड़ रहा है आपको, जैसे पेट्रोल तो बहुत महंगा हो रहा है, तो क्या एवरेज निकाल देती है? एवरेज ये 60 के आसपास देती 60 के आसपास, मतलब आप इसको लॉन्ग रूट पे चलाते हो तो ये 60 का देती है। हाँ। वैसे क्या मान के चले कंपनी क्लेम क्या है इसका, मतलब? कंपनी ने तो देखो इसको 65 बता रखा है, अच्छा कंपनी ने 65 बता रखा है, ओके ऐसे मैंने एक बार चेक किया था, मेरे 60 के पास आ तो गया, 60 के आसपास निकाल देती है, तो बहुत बढ़िया एवरेज है अगर ये 60 के आसपास निकाल रही और है तो। ऐसे अपन जैसे अपन सिटी में चलाएं तो फिर वो कम होता ही कम है, होता ही है, बाकी और किसी तरह की भी दिक्कत नहीं है। वैसे तो होंडा जाना माना ब्रांड है, जाना माना तो ब्रांड स्प्लेंडर और होंडा में से किसको आप सजेस्ट करोगे, स्प्लेंडर प्लस या फिर ये देखो। वाली? स्प्लेंडर प्लस का, स्प्लेंडर प्लस तो स्प्लेंडर प्लस ही है, लेकिन देखने में भी क्या है स्प्लेंडर वो इसको वीएस करे तो इसमें क्या है, देखो एक तो इसका ज़्यादा ये है, और जो आप लगभग देखते हो गाड़ी की वो चलाने हाँ में, तो हाँ स्प्लेंडर हाँ प्लस और इसमें इसकी बढ़िया, फर्क वो है 110 इंजन इसका आ रहा है, बाकी स्प्लेंडर 90 का अच्छा है, कम आता है स्प्लेंडर में। और जो अपना इसका सीट है वो भी स्प्लेंडर से ज़्यादा आती है, ओके, चौड़ाई में भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी चौड़ाई सी में ज़्यादा है हाँ स्प्लेंडर की, थोड़ी सी कम आती है, मतलब इतनी चौड़ाई नहीं आती स्प्लेंडर में जितनी आती है। चलो बहुत बहुत बढ़िया, आपको बधाई हो नई बाइक के लिए, और इस बाइक को चला के देंगे। तो एक छोटा सा रिव्यू था गाइस ये बाइक का, होंडा CBR, अगर आप में से लोग कोई बाइक लेना चाहते हो तो आप जाइए और होंडा CD डिलक्स 110 को ज़रूर ट्राई करें। तो ये छोटा सा रिव्यू था इस वाली बाइक का जो कि है CB 110 मेरे जो पीछे खड़ी हुई है। तो अगर आपको रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल पे जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। रिव्यू था ये ओनर का जिसकी बाइक है, तो मैंने कहा ये चलो आज कुछ चेंज करते हैं, आज कुछ नया वीडियो बनाते हैं, आगे और भी ऐसे वीडियो आपको मिलेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, और जिनकी बाइक है उनको भी एक बार, और ये इनकी विनोद की बाइक है, सो थैंक यू विनोद चैनल पे आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए और अपनी बाइक का रिव्यू डालने। लाइक एंड सब्सक्राइब। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच।